तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट होकर लड़ रहा है। अब डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दो उपकरण बनाए हैं। ये दोनों ही उपकरण ऑफिस या घरों में रोजमर्रा के चीजों में इस्तेमाल आने वाले चीजों में यूज हो सकता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने में बहुत कारगर होगा। और सबसे अच्छी खबर तो यह है कि दोनों उपकरण बहुत जल्द बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। एक तरफ पूरी दुनिया जहां कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को तलाशने की कोशिशों में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर भारत में डीआरडीओ को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ अब डीआरडीओ के नए हथियारों के आगे कोरोना को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के ये उपकरण कोरोना काल में बहुत ही काम के साबित होने जा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, घर हो या दफ्तर, हर किसी की पहली फिक्र यही है कि कहीं आपके जरूरत के सामानों पर वायरस तो नहीं। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन के आकार का पहला उपकरण आपके मोबाइल, घड़ी, कार की चाबी, पर्स जैसी चीजों पर मौजूद वायरस को खत्म कर देगा। एक मिनट तक इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डीआरडीओ ने इससे पहले भी कई प्रोडक्ट्स निकाले हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए अभी सिर्फ एक तरीका है कि वायरस के प्रसार को रोका जाए, जिन चीज में वायरस है उन वहां से वायरस को खत्म किया जाए। दूसरा उपकरण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है और इसे हाथ में लेकर किसी फाइल, खाने पीने की चीजों, सब्जियों या दूध के पैकेट पर एक मिनट तक रखा जाता है। उपकरण से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज वायरस को खत्म कर देती है। रेज के जरिए कोरोना वायरस को नष्ट किया जाता है। ये एक हैंडहेल्ड है जिसके जरिए किसी फाइल को या घर में आप दूध के पैकेट लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, उनको उनके ऊपर ऐसे घुमाएंगे 50 सेकंड तक, अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए वो जो भी चीज है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगी। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इनकी कीमत कितनी होगी, ये मार्केट में उपलब्ध कब होंगे। डीआरडीओ का कहना है कि इनके उत्पादन के लिए निजी उद्योगों से बात आखिरी चरण में है और बहुत जल्द सस्ते दामों पर इन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन आदमी के पास किस तरीके से ये पहुंचे, ये हमारा विशेष इसमें वो है करने का प्रयास। और इसीलिए हमने जो है ये टेक्नोलॉजी अभी हम करेंगे हस्तांतरण, ट्रांसफर करेंगे, ताकि ये सब जगह, ना सिर्फ दिल्ली में, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, सब जगह ये उपलब्ध हो जाए। इस तरीके हमारा एक इसका प्रावधान बनाया है। दोनों ही उपकरण अल्ट्रावायलेट रोशनी से संक्रमण को खत्म करने के सिद्धांत पर काम करते हैं, जिससे ये किसी भी सामान पर आए कोरोना वायरस को खत्म करने का दम रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर इसी बीच ये है कि मुरादाबाद पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार 18 में से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाले 73 पुलिस वालों को क्वारंटीन किया गया है। आरोपियों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नागफनी थाने में क्वारंटीन किया गया है इन सभी पुलिस वालों को। मुरादाबाद में 15 अप्रैल को आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इसके बाद अब ये बड़ी खबर, चिंता बढ़ाने वाली बड़ी खबर है, क्योंकि 18 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे उनमें से 5 आरोपी कोरोना पॉजिटिव हैं। दीपचंद्र जोशी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद्र, ये तो एक हैरान करने वाली भी खबर और चिंता बढ़ाने वाली खबर भी है। देखिए, निश्चित तौर पर इस खबर को सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस महकमा जो है उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के जवानों पर पथराव किया गया था कुछ लोगों द्वारा, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए 11 लोगों को शक के आधार पर उनके सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें से 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जिसके बाद जो पुलिस विभाग की टीम है उनमें काफी घबराहट देखी जा रही है, क्योंकि नागफनी थाने में उन लोगों को बंद करके उन तमाम लोगों से पूछताछ की गई थी। इसके अलावा जो टीम गिरफ्तार करके उनको लाई गई, लेके आई थी, उन लोगों में भी काफी घबराहट दिखाई दे रही, जिसके बाद पूरे नागफनी थाने को क्वारंटीन कर दिया गया और 73 पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर भी हैं, इन्हीं में मिला के उन सबको क्वारंटीन किया गया और उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे। धन्यवाद आपका दीप, ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। चैलेंज आप देखिए कि 73 पुलिस वाले हैं जिन्हें थाने में ही क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन इतने दिनों में ये पुलिस वाले कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, अपने घर भी गए होंगे, किस तरह से लोग चैलेंज बढ़ा रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है।
एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, हर एक अपडेट के साथ फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी न्यूज। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।